Hey everyone, very to our channel, है एवरी वन वेरी वेलकम टू आवर चैनल एम एन एस एम आज का टॉपिक है जी के एन इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन प्लस इसमें थोड़े बहुत प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको और ये क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ ऐसे सेम पैटर्न के क्वेश्चन या इसी टाइम के इसी टाइप के क्वेश्चन एम एन एस एग्जाम में आते हैं तो वॉच डिस वीडियो टिल एन आपको इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने पी डी एफ भी प्रोवाइड करी है मॉक टेस्ट की विधानसर की तो आप वो वहाँ से ले सकते हैं सर्च एम एन एस एम ऑन टेलीग्राम मैं वहां पे पीडीएफ भी देती रहती हूँ जीके so का पोर्शन है ऑप्शन आंसर है, है बिलियर्ड्स तो जो गीत सेटी है वो बिलियर्ड्स की प्लेयर है क्वेश्चन नंबर टू हु किसने बनवाया तो इसके ऑप्शन है महाराजा स्वाई प्रताप सिंह शाहजहां औरंगजेब तो इसका करेक्ट आंसर है महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ऑप्शन ए ये राजस्थान के काफी फेमस राजा थे इनके नाम पे कई सारे हॉस्पिटल भी हैं और जो हवा महल है वो जयपुर में जयपुर राजस्थान की कैपिटल है शाहजहां ने क्या बनवाया था ताजमहल रेड फोर्ट और एक नौलखा पेविलियन जो लाहौर में है औरंगजेब और ने मोटी मस्जिद बनवाया था इसको पर्ल मॉस्क भी बोलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री

तो इसका करेक्ट आंसर है डेन्यू लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर 2019 में क्वेश्चन आया था कि लंदन इज़ सिचुएटेड नियर बैंक ऑफ विच रिवर तो उसका आंसर था थेम्स तो जो फेमस सिटीज़ रहती है या ये जैसे पेरिस हो गया लंदन यूके या कोई भी सिटी इजिप्ट फ्रांस इन सब के पास कौन से रिवर है वो देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है और अगर आपको प्रीवियस या क्वेश्चन की पीडीएफ या वीडियो चाहिए तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और वीडियो मैंने इंग्लिश साइंस जी के इन सब की अपलोड कर रखी है अब वहाँ से देख लो और आपको आइडिया लग जाएगा कि आप ये कैसे प्रिपेयर करोगे आप, आप क्वेश्चन कैसे आते हैं एम एग्जाम में क्वेश्चन नंबर फाइव हु इज़ ऑथर ऑफ बुक गाइड गाइड बुक का ऑथर कौन है ऑप्शन आर चार्ल्स डिकेन आर के नारायण वी एस नायपोल एम के गांधी तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी जो गाइड बुक और एक मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी अब टू द रिवर अब वो बताओ वो बुक किसने लिखी है क्वेश्चन नंबर द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड उसका मैकमोहन लाइन बोलते हैं जो दुरंत लाइन है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्वेश्चन नंबर सेवन वेन सार्कब्लिश तो सार कब स्टैब्लिश हुआ था 1985 में और इसका हेडक्वार्टर का है ढाका दैट इज कैपिटल ऑफ बांग्लादेश क्वेश्चन नंबर एट वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग हैज बीन अडॉप्टेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑप्शन आर दुर्गेश नंदिनी आनंद मत गीतांजलि या चंद्रकांत इसका करेक्ट आंसर है अनंत मत आनंद मत किसने लिखी है बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखी है लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि सत्यमेव जैसे कौन से उपनिषद से लिया गया तो ऐसे ये क्वेश्चन थो, जो थोड़े हिस्ट्री के रहते हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं हिस्ट्री में आपको डीप हिस्ट्री नहीं पूछेंगे ऐसे सब भी पूछेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन अमजाद अली खान प्लेज विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन है सारोद नाउ इंग्लिश का पोर्शन है ये तो इंग्लिश का इसमें मैं आपको ऐसे वर्ड लिंकिंग की एक ट्रिक बताऊंगी एक और वीडियो मैंने अपलोड की है इंग्लिश की जिसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और सिनोनिम एंटोनिम्स हैं अगर आप वो वीडियो को देखोगे आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी वहाँ पे मैंने वर्ड लिंकिंग से बहुत सारे सिनोनिम एंटोनिम लर्न करने का ट्रिक बताया तो फर्स्ट इज वन हार्ड टू प्लीज या वेरी सिलेक्टिव इन हैबिट्स उसको हम फास्टीडियस बोलते हैं और जिसको मनाना बहुत मुश्किल हो उसका तो इसका कीवर्ड हम उसको किससे याद रखेंगे फास्ट फास्ट से हम इसको याद रखेंगे फास्ट मतलब जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है लेकिन उसको मनाना बहुत मुश्किल है जल्दी नहीं मानता वो क्वेश्चन नंबर वन वन रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस जो जस्टिस से भागता हूँ ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं फ्यूजिटिव फ्यूजिटिव को हम कैसे याद करेंगे फ्यूज से फ्यूज मतलब जब भी भी सच या उस कुछ उसका सामना करना होता है वो उस, उसका फ्यूज उड़ जाता है मतलब वो वहाँ से भागता है जैसे उसको बोल सकते हैं हम डेजर्ट या धोखा देना ऐसा कुछ नेक्स्ट इज वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथोसियाजम इन रिलीजियस मैटर एक्सेसिव एंथोसियाजम मतलब उसमें बहुत सारा जोश हो रिलीजियस मैटर को लेके तो उसको क्या बोलते हैं फैनेटिक फेनेटिक को हम फन से रिलेट कर सकते हैं फ़न मतलब इन्जॉय बहुत ज्यादा मतलब उसमें एनर्जी हो रिलीजियस मैटर को लेके नेक्स्ट इज वन हु बिलीव्स इन फेट तो उसको बोलेंगे फेटलिस्ट ये इजी है अ लवर ऑफ गुड फूड एक होता है गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं लवर ऑफ गुड फूड और एक होता है ग्लटनी ग्लटनी को हम बोलते हैं पेटू जो बहुत सारा खाता है बहुत ज्यादा खाता है उसको हम पेटू बोलते हैं और गवर्नमेंट मतलब जो अच्छा खाता है अ लवर ऑफ गुड फूड नेक्स्ट इज कन्फर्ड एज एन ऑनर तो उसको बोलते हैं हैं को हम कैसे लेट कर सकते जेनेटिक सेनेटिक में हीटिक मतलब हमेशा रिलीजन के अगेंस्ट रहना अपने रिलीजन के तो उसका जेनेटिक ऐसा है कि वो हेरेटिक काइंड है जो अपने रिलीजन के अगेंस्ट रहता है मतलब अपने नहीं कोई भी रिलीजन के अगेंस्ट अ पर्सन ऑफ इंटेलेक्चुअल और एरोडाइट टेस्ट एरोडाइट और इंटेलेक्चुअल टेस्ट मतलब शाही रॉयल जिसको बोलते हैं तो उसका मतलब वो खाने का मिजाज रखता है उसको बोलते हैं हाई ब्रो इसको हम हाई से आज कर सकते हैं हाई फाई खाने वाला और इसको बोलते हैं बड़े शौक रखने वाला भी बोलते हैं इसको नॉट ओनली इन फूड हम इसको बड़े शौक रखने वाला इन सब में भी यूज कर सकते हैं ये पाँच से एंड वनटोने मैंने रखे हैं अब पाँच पाँच रोज लर्न करोगे तो वो इजी रहता है फर्स्ट इज कीन कीन मतलब शार्प पॉइंटेंट इंटेलिजेंट कीन मतलब शार्प ब्रेन ऐसे बोलते हैं और इसका एंटोनिमी अपोजिट है वैपिड या इंसिपिड का मतलब है वीक या फ्लेवरलेस वीक नेक्स्ट इज लग्जरियन अभी लग्जूरियट वर्ड से ही लग रहा है हाँ लग्जूरियस मतलब अबंडेंट काफ़ी है उसके पास प्रोफ्यूज तो इसका एंटोनिम क्या होगा स्कैंटी या मर्ज स्कैंटी मतलब मिनिमम या लिमिटेड लिमिटेड अमाउंट में और अबंडेंट मतलब काफ़ी सारे अमाउंट में भरा हुआ थर्ड इज ल्यूसीशियस ल्यूसीशियस और डिलीशियस ये थोड़े रिलेटेबल है इनको हम इसे लर्न कर सकते हैं ल्यूसीशियस डिलीशियस मतलब बहुत टेस्टी पैलेटेबल तो इसका अपोजिट होगा अनसेवरी मतलब जो खाने में इतना टेस्टी ना हो टार्ट फोर्थ इज टेडियस तो टेडियस का मतलब होता है टेडियस का वैसे मतलब क्या होता है बोरिंग बोरिंग काइंड बोरिंग या अनइंटरेस्टिंग अनएक्साइटिंग तो इसका सिनोनिम क्या होगा वियरिसम एरक्सम ये जो ऐसे थोड़े डिफरेंट डिफरेंट सनॉलीम रहते हैं यही असली गेम चेंजर होते हैं क्योंकि कॉमन वर्ड्स तो सबको पता रहते हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो अलग रहते हैं जिनको हम जनरली इग्नोर करते हैं यही इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जो एग्ज़ाम में आते हैं बाकी कॉमन तो सबको पता है उसका एंटोनिम क्या है एग्जीलेटिंग या लिवली एक्जिलटिंग मतलब मेकिंग वन फील हैप्पी किसी को खुश कर देना या किसी को अच्छा फील करवाना उसको बोलते हैं फिफ्थ इज टर्न टेसी मतलब साइलेंट या रिजर्व्ड इसका कीवर्ड क्या होगा taciturn का मत का कीवर्ड लेते हैं हम टर्न मतलब जब उसकी बोलने की टर्न आती है उसके बोलने की बारी आती है तो वो साइलेंट रहता है या इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हैं हम इसको इंट्रोवर्ट मतलब जो ज़्यादा खुल के बात नहीं करता है तो इसका अपोजिट क्या होगा एक्सट्रोवर्ट Talkative, जो बात बात जो बहुत बहुत ज़्यादा बात बात करता बातूनी, so, आपको ये पसंद आए होंगे तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और ये पी डी एफ और मॉक टेस्ट ये सब मैं देती रहती टेलीग्राम चैनल पे एम एस एम सर्च देयर वहां पर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा एंड uh, मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें एंड कमेंट में आप मुझे कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी अगर आपको किसी और भी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करें आपके सजेशन से मेरी बहुत हेल्प होती है कि थैंक यू